हेलो फ्रेंड्स, निटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। ये टू कलर का डिज़ाइन है और देखिए फ्रेंड्स, इसमें बीच में छोटी छोटी ये बुनाई का डिज़ाइन भी इसमें आता है। और देखिए, ये जाली जाली सी इसमें डलती हैं। समर के हिसाब से भी आप कोई टॉप बनाओगे तो उसमें भी कॉटन की जैसी वूल आती है, उसमें भी आप ये डिज़ाइन को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, ये टू रो का ही डिज़ाइन है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, आप जोड़े में इसमें फंदे आप डाल लीजिए। जोड़े में फंदे डाल के फ्रेंड्स, आप इसमें बॉर्डर के ऊपर से जो भी आप इसमें कलर लगाओगे, जैसे मान लीजिए ये आपके बॉर्डर के फंदे हैं। अब आप हम डिजाइन लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा और राइट साइड से हम अपना सेकंड कलर इसमें एक रो सीधी सीधी बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने नीचे से बताया बनाया था, ऐसे ही मैं फर्स्ट रो से आपको ये बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। हम ये एक सीधी सीधी रो बना के कंप्लीट करेंगे। तो जितने फ्रेंड्स आपको फंदे जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में बढ़ाने हो, आप राइट साइड से बढ़ा लीजिए, रॉन्ग साइड से हमारा ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकती हैं जिन्होंने अभी अभी बुनाई सीखी है। ये देखिए, पूरी रो हम ऐसे ही सीधी सीधी बना के ये कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हों, आप ऐसे ही सीधा सीधा बना लीजिए। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, आप इसको मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकते हो। अब देखिए, अब आ गए हम रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड से फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम बना लेंगे, फिर हम दो फंदों का ऐसे एक कर देंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और एक बार हम पीछे से फंदे को ऐसे बना लेंगे। हमने हमारे दो फंदे वापस बन गए। ये देखिए, ये हमें बार बार में हमने इसमें रिपीट करना है, लेकिन हम धागा ऐसे आगे लेके आएंगे। धागा हमारा पीछे था, ये देखिए, दो का एक करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और ऐसे हम इसमें से बना देंगे। धागा आगे लेके आएंगे, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक बार सीधी तरफ से इसको ऐसा बना देंगे। ये आपको बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, दो फंदों का एक किया, धागा पीछे ले गए और इसको वापस से हमने ऐसे बना दिया। फिर से धागा अपनी तरफ, दो का एक किया, धागा पीछे किया, एक बार फिर से हमने, ये देखिए, पीछे से फंदा हमने एक बना लेना। तो हमारे फंदे दो के दो वापस उतने ही हमने बना लिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी डिजाइन है। दो का एक किया, पीछे से डाल डाल के एक बार सीधी तरफ से हम बना देंगे। धागा अपने तरफ लेके आएंगे, देखिए, दो का एक किया, धागा पीछे किया, फिर से हमने इसको बना दिया। धागा आगे लेके आएंगे, ये देखिए, ऐसे ही हमने बार बार में पूरी रो में जितने भी आपके फंदे हों, आपको ऐसे ही रिपीट करना। थोड़े से आप इसको लूज कर लीजिए, ऐसे डाल के निडल, ये देखिए, धागा पीछे किया और फिर से हमने एक बार और इसको
ऐसे हम बना देंगे। धागा आगे लेके आएंगे, फिर से दो फंदों का हमने एक बनाया, धागा पीछे किया और इसको ऐसे बना दिया। धागा अपनी तरफ किया, दो फंदों का हमने एक किया, धागा पीछे और फिर से एक फंदा और बना देंगे। धागा पीछे, एक बार हमने आगे से इसको एक फंदा बनाना होता है, एक बार पीछे से, बस ये आप रिपीट करते जाइए, आपका ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये एक ही रो का डिजाइन है फ्रेंड। एक रो तो हमने इसमें अपना कलर जब हम चेंज करते हैं तो हमने इसमें सीधी सीधी बनानी होती है। ये देखिए, अब लास्ट है, ध्यान से देखिए, दो का एक किया, पीछे से फिर एक बार और हम इसको ऐसे बना देंगे। धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और लास्ट वाले को भी हम ऐसे बना देंगे। ये हमारा एस स्टिच है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक रो का ही डिजाइन है। ये देखिए, ये ऐसे आपका डिजाइन बन के आएगा। अब हमें क्या करना है, अब मेरे पास, मैंने इसमें वाइट कलर लगाया है तो वाइट की फ्रेंड्स मैं ऐसे ही इसमें ये एक सीधी रो बना के ये कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, सीधी तरफ से तो फ्रेंड्स हमने इसको सीधा बनाना है हर बार, और उल्टी तरफ से बस हमारा ये एक ही रो का डिजाइन है। एक बार हमें दो का एक बनाना होता है उल्टी तरफ से, जैसे हम उल्टा बनाते हैं, और एक बार हमने धागा पीछे करके सीधी तरफ से हमने इसको बनाना, तो दो फंदे हम वापस अपने बना लेंगे। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत इजी। आप इसको मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकते हो। जैसे हम कई बार कोई अपनी चीज बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ऊन हमारे पास बच जाती है, तो हम उससे भी ये सुंदर सा डिजाइन बना कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये बना लिए। अब हमें क्या करना है, वही रो हमने रिपीट करनी है जो हमने पहले की थी। एक हम बना लेंगे और देखिए, इसका दो का एक किया, धागा पीछे किया और इसको हमने ऐसे बना दिया। ये देखिए, जैसे हमने पहले की थी ऐसे ही इस रो को बना के कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे लूज कर लीजिए, तब अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, एक बार इसको पीछे से ऐसे बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये रो मैं आपको एक बार कंप्लीट करके दिखाऊंगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर से वापस इसको करेंगे।
ये उल्टी रो में एक ही रो में डिजाइन हमारा डल के फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए फिर से धागा आगे करेंगे, दो का एक बनाएंगे, धागा पीछे सीधी तरफ से हम इसको दो का एक बना देंगे। ये देखिए ये पूरी रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, आप ध्यान से देखिए। ये लास्ट वाला भी हम ऐसे ही थोड़ा सा फ्रंट टाइट है, आप इसको ऐसे फंदा डाल के इसको आप लूज कर लीजिए। ये देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर ली। ये देखिए सीधी तरफ से मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ये सुंदर सा डिजाइन बन के कम्प्लीट होता है। और अब जो भी आपका सेकंड कलर हो, अब जैसे मैंने इसमें ब्लू लिया है डार्क ब्लू, अब मैं इसकी ये सीधी सीधी रो बना के ब्लू से कंप्लीट करूंगी। फिर जैसे मैंने आपको डिजाइन ब्लू से डाल के दिखाया था, रॉन्ग साइड का एक ही रो का फ्रेंड्स ये डिजाइन है। और ये देखिए बनने के बाद बहुत ही इसकी प्यारी इसकी लुक आती है। तो फ्रेंड्स आप इस को एक बार जरूर ट्राई करना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।